अमेंडमेंट बिल 2021, सरकार ने समय समय पर सीए प्रोफेशनल्स को एनकरेजमेंट किया है एवं हेल्प की है। सीए इंस्टीट्यूट ने भी अपनी पार्टनर इन नेशन बिल्डिंग अपनाया है एवं हर घड़ी सरकार की योजनाओं को एग्जीक्यूट करने के लिए हेल्प की है। टैक्स कलेक्शन की बात हो अथवा अन्य किसी योजना करने की योजना को लोगों के बीच में लाने की बात हो, इंस्टीट्यूट ने हमेशा सरकार के साथ साथ दिया है। सरकार की विविध कल्याणकारी योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री रोजगार योजना, सब्सिडी योजना, एक्सपोर्ट योजना, स्पेशल टैक्स जोन प्रमोशन, ई योजना को जनता तक पहुंचाने में हेल्प की है। सर, आई जस्ट रिक्वेस्ट यू, आई एम जस्ट हियर फ्यू ऑफ माई सी ए पीपल फ्रॉम माई डिस्ट्रिक्ट एंड फ्रॉम विदर्भ बेसिकली एंड फ्रॉम नागपुर, दे हैव एक्चुअली स्पोकन टू मी अबाउट दिस बिल व्हेन दिस बिल गॉट इंट्रोड्यूस इन दिस हाउस एंड इमीडिएट ऑल द चार्टर्ड अकाउंटेंट दे केम एंड दे विजिटेड एंड दे स्पोक टू मी अबाउट दिस बिल कि वॉट शुड बी वी शुड ब्रिंग चेंजेस इन दिस बिल। आई विल जस्ट गिव फ्यू सजेशन सर, आई एम ऑलवेज देयर इन द सपोर्ट ऑफ दिस पार्टी एंड द डिपार्टमेंट एंड विद द मिनिस्ट्री, बट आई जस्ट वॉन्टेड टू गिव यू बिकॉज फ्रॉम लास्ट 74 ईयर्स दिस पीपल आर सर्विंग इंडिया, दे आर वर्किंग फॉर इंडिया, दे आर वर्किंग फॉर प्रोग्रेस इन इन द पीपल इन द फेवर ऑफ दिस इंडिया नेशन। आई सर आई जस्ट गिव बिल दिस बिल to examine only CA Amendment Act. The proposal is out-of-box suggestion of IIA. It's commercially proposed to destroy the world best and cheapest courage by privatization of it through IIA. No need to establish IIA when we have the world best CA Institute, sir. And it's like we are demolishing Nalanda-like institute just for competition, which is not fair, sir. आई एम जस्ट हियर टू मैं यहाँ पे सिर्फ आज बोलने के लिए आई हूँ। मैं सीए लोगों की आवाज, मेरे क्षेत्र के और विदर्भ के लोगों की, जो सीए जो प्रैक्टिस करते हैं दिन रात, पूरी सरकार को दिन रात अपना समय देते हैं कि हमारी सरकार और देश की उन्नति हो, उसके लिए साथ देते हैं, तो उनकी कुछ त्रुटियां हैं जिसको हमने एज ए सजेशन लेना चाहिए। और कमिटी को भी बहुत बार अप्रोच किया, द सीए अमेंडमेंट बिल प्रपोज टू मेक चेंजेस इन द डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। द करंट मैकेनिज्म इज रॉबस्ट, यूजफुल एंड वॉज ओनली पुट इन प्लेस अबाउट अ ईयर बैक year ago. The bill proposed to increase government nominee from 2 to 3 and reduce the member of council from 3 to 2, sir. This is the main pain what the CA people are facing, sir. Agar koi bhi ek aadha vyakti jo medical practice nahi kar raha hai, agar wo chair pe baithta hai, to wo उस डॉक्टर को क्या न्याय देगा अगर वो चेयर के पास आएगा? अगर उसे पता है कि इसने इस जगह पे इस तरीके से अगर गलती की है तो उसे किस तरीके से हमने सजा देनी चाहिए और किस तरीके से नहीं देनी चाहिए? सो दिस इज द रिकमेंडेशन सर फ्रॉम द सीए व्हाट आई एम गिविंग इन दिस हाउस। द करंट कॉम्पोजिशन ऑफ डिसिप्लिनरी कमिटी इज 2 मेंबर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड 3 मेंबर ऑफ ICAI काउंसिल। द प्रोसेस सो फार हैज बीन स्मूथ, practical and useful. The current system may be continued as there is no reason to change in then less than decade. Currently, minimum 1 member of government should be present for a form a quorum. The bill proposed that the chairman of the bench will be government nominee and not a CA. This is the basically, sir, the chairperson, when you spoke about this, Mehtab ji spoke about this, our Google uncle from Bengal, he spoke about this. Everybody talking about only this point. We don't have a problem about this bill. It is just the chairperson who has we are appointing. He should be a CA who has actually practiced in this field, not the non-chartered accountant practitioner. And the DC mechanism is a quasi-judicial function, and only person who are from the same profession should sit in the judgment as fact are involved. The change is keen to placing non-legal or non-medical professional in the DC mechanism or Bar Council, Medical Council. The Standing Committee, while rejecting all the suggestion of ICAI, has gone beyond its mandate and proposed sitting up. Sir, I am always in the support of the government, and I am there, but it is just a little suggestion what I wanted to give
in this house in behalf of my chartered accountant who belongs to Maharashtra and Vidarbha. Thank you so much, and I'm always there with sir. Thank you. Thank you, Chairman. Member is left, sir. Here also. Oh, sorry, sorry, sir. Oh, BJP Tan is there, na? Yes. Sri Ravi Kishan. Sri Ravi Kishan. सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे महत्वपूर्ण विधेयक पर बोलने का मौका दिया अध्यक्ष महोदय। संशोधन विधेयक का स्वागत करता हूं मैं और सपोर्ट करता हूं। जैसा कि विधेयक के उद्देश्यों का कारण कथन में लिखा गया बहुत ही पारदर्शिता के साथ क्लैरिटी के साथ है। आई वॉज हियरिंग ऑल माई मैं सारे माननीय सदस्यों को सुन रहा था, बट ये सारे सदस्य ये नहीं जान रहे हैं कि यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच है ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। और इस देश में अब वो समय आ गया है जहां पर हम लोग साफ साफ चीजों को देश के सामने रखें। ये देश एक नया भारत बन रहा है, एक नई सोच का भारत। 1959 में व्हाट हैपेंड, 1949 में व्हाट हैपेंड, उसको सब कुछ मद्देनजर रखते हुए हम इसको बदलते हुए तंत्र को स्ट्रांग करना है, उनको सिक्योर करना है। इसके जो सदस्य हैं संस्थानों के, उनके विरुद्ध अनुशासनिक मामलों में एक समय सीमा के भीतर से निपटाना, जवाबदेही तथा पारदर्शिता को बढ़ावा देने, संबंधित संस्थानों की परत परिषद को स्वायत्तता प्रदान करना इत्यादि शामिल है, जो बहुत ही क्लियरली बताता है कि अब ये देश बदल रहा है, चीजों को बदलना जरूरी है, देश को जानना है, देश की जनता को जानना है कि सत्य क्या है, लोग क्या है, लोग कैसे काम कर रहे हैं, वेदर दे आर सीए, वेदर दे आर इनकम टैक्स, वेदर इन द गवर्नमेंट फॉर्म, एनी काइंड ऑफ फॉर्म, दे वॉन्ट टू सी कि भैया क्या हो रहा है, हमारे देश का क्या हो रहा है, मेरी देश की जनता का क्या हो रहा है, मेरे टैक्स के पैसों का क्या हो रहा है, कैसे पीपल ऑपरेटिंग, कैसे मेरा देश बढ़ेगा, कैसे 135 करोड़ की आबादी स्ट्रांग होगी, कैसे हम सुपर पावर बनेंगे। तो ये सारे पॉकेट्स को और ये सारी सारी जो जो संस्थाने हैं और संस्थाएं हैं उसको स्ट्रांग करने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की जो सोच है उसी को लेकर हम लोग चल रहे हैं, और वो बिल उसी से आधारित है और उसी के अनुसार है। अब अपोजिशन को भी ये जानना जरूरी है कि ये देश बदल रहा है, अपने आप को स्ट्रांग कर रहा है विद ट्रांसपेरेंसी के साथ और ऑनेस्टी के साथ। अध्यक्ष महोदय, मेरा ऐसा मानना है कि आज के बदलते परिवेश में जवाबदेही पारदर्शिता अत्यंत महत्वपूर्ण है। हर इंसान चाहता है कि भैया क्या हो रहा है जीवन में, भैया मेरे पैसों का क्या हो रहा है, भैया मेरा देश कहां जा रहा है, कैसे ये संस्थान है, भाई अब चल रहा था 1949 में कुछ बना था, अंग्रेजों से कुछ हम लोग प्रभावित थे, वो सारे बिल गए, वो क्या नियम थे, वो क्या कानून थे, वो लद चुके हैं। अब लोग निकलना चाह रहे हैं, लोग एक 2021 में मोदी जी के साथ विश्व को देख रहे हैं, विश्व के सबसे बड़े नेता बने हैं हमारे प्रधानमंत्री, भारत पर पूरे विश्व की नजर है, भारत ग्रो कर रहा है, भारत ही एक ऐसा देश है जो अब ग्रोथ की तरफ है और पूरे वर्ल्ड की निगाहें हैं, उसमें हमको उनका साथ देना चाहिए। चूंकि मैं सिनेमा इंडस्ट्री से जुड़ा रहा तो सीए के साथ और अकाउंटेंट्स के साथ, ये सीए एक ऐसी संस्थान है और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऐसे रहे जिन्होंने मुझे पहली बार लॉ सिखाया अध्यक्ष महोदय, कि नो यू हैव टू पे द टैक्स। जब मैं कुछ पैसे कमाने लगा तो मुझे बोला नहीं यहां पे आपको भैया, मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट आया, उसने कहा कि, तो मुझे एहसास हुआ कि ये चार्टर्ड अकाउंटेंट कहीं सरकार का आदमी तो नहीं, ये सरकार के लिए काम करता, ये क्या है, ये व्यक्ति क्या है, ये संस्था क्या है, ये लोग कौन है, जो पूरा पैसा मेरी मेहनत का मैं कमाता हूं वो मुझे उसने बताया कि ये जाएगा देश के लिए, ये आप जो पैसा सिनेमा की शूटिंग से कमाते हैं, जो आप टैक्स भरते हैं वो, और मैं करीबन 30-35 साल से आई एम अ टैक्स पेयर, तो मैं जो कमाता था, मेरा सीए आता था हमसे, हमको समझाता था कि ये पैसे ऐसे जाएंगे, तब मुझे पता कि नेशन बिल्डिंग में ये संस्था चार्टर्ड अकाउंटेंट, दिस फर्म, दे आर सो स्ट्रांग, ये लोग इतने महत्वपूर्ण स्तंभ हैं इस देश के, इनको सिक्योर्ड करना, उनको पारदर्शिता में लाना, उनको प्रोटेक्ट करना, ये भारत सरकार का काम है, और ये अब सोचा गया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं इस बिल का सपोर्ट करता हूं और इस संसाधनों के साथ, नहीं डेफिनेटली ये भाई आप लोग समझ रहे हैं, भाई समझ रहे हैं आप लोग, नहीं नहीं बहुत एकदम सही बता रहे हैं, इसको एकदम सही तरीके से जा रहे हैं, आप लोग नहीं समझ पा रहे, आप लोग नहीं समझ पा क्या,
नहीं, आप लोग समझ नहीं पा रहे हो। देखो दिक्कत यह है कि उस कुर्सी पर चले जाने के बाद आधी बुद्धि बंद हो जाती है। प्लीज कंक्लूड। वो कुर्सी का दोष है। थैंक यू श्री दनेश अली। तो अब ये देखिए कि ये देश कहां, और आप लोग भी गर्व करते हैं, आप लोग भी बड़ा महसूस करते हैं कि अब भारत कैसा हो गया। आप लोग विदेश भी जाएं, अभी हमको एक तारीख को चार्टर्ड अकाउंटेंट का अध्यक्ष महोदय क्षमा चाहते हैं, बस मैं आई एम फिनिशिंग नाउ, बट मैं आई जस्ट वांट टू से कि संसाधनों के संस्थानों को प्रोफेशनल विरुद्ध इनके साथ जो भी निर्णय में मदद मिलेगी देश की आर्थिक प्रगति के लिए कानून में परिवर्तन आवश्यक होता है। लेखापाल अधिनियम 1980 के लिए सरकार द्वारा महत्वपूर्ण है। आज के परिवेश में जवाबदेही पारदर्शिता को हर विभाग में केंद्र में लाया जाए, ये देश की सख्त जरूरत है। यही यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते हैं। बस आई फिनिश नाउ, फिनिश। प्रस्तावित संसाधनों के इन संस्थानों को पारदर्शिता जवाबदेही सुनिश्चित होगी। बस मैं ये चाहता हूं, ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है अध्यक्ष महोदय, इस देश को स्ट्रांग करने के लिए सत्य हमेशा सामने रहे। धन्यवाद।